माघ स्नान 2024। माघ स्नान कब है? माघ स्नान, माघ स्नान का धार्मिक महत्व। राधे राधे मित्रों, स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल आस्था और ज्योतिष ज्ञान में, जिसमें कि मैं आपको बताती हूँ धार्मिक और ज्योतिष से जुड़ी कई इंटरेस्टिंग बातें। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आपको मेरी नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए मित्रों, आज का हमारा टॉपिक है माघ स्नान कब है, माघ स्नान करने का क्या धार्मिक महत्व है। हिंदू धर्म में माघ माह को बहुत ही पवित्र माह माना गया है। इस माह में स्नान करने का विशेष महत्व है। आइए जानते हैं माघ माह में स्नान का क्या महत्व है। माघ का महीना 26 जनवरी को शुरू होगा और 24 फरवरी को माघ पूर्णिमा के साथ ही समाप्त होगा। माघ माह में प्रयागराज के संगम तट पर स्नान का विशेष महत्व है। अगर आप माघ माह में 3 बार स्नान करते हैं तो आपको अश्वमेघ यज्ञ के बराबर फल की प्राप्ति होती है। और यदि आप पूरे महीने माघ स्नान करते हैं तो इससे भगवान विष्णु प्रसन्न होकर सुख सौभाग्य प्रदान करते हैं। माघ माह में सभी देवी देवता पृथ्वी पर आकर स्नान करते हैं, इसलिए इस स्नान को बहुत ही पवित्र स्नान माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस माह में गंगा में स्नान करने से आध्यात्मिक शक्ति की प्राप्ति होती है और शरीर निरोगी होता है, साथ ही रोगों का नाश होता है। माघ माह के दौरान किसी भी पवित्र नदी नर्मदा, कावेरी, सरस्वती, गंगा, यमुना में स्नान करने से आध्यात्मिक शक्ति की प्राप्ति होती है और शरीर निरोगी होता है और सभी प्रकार के रोगों का नाश होता है। माघ के महीने में भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करने पर भी विशेष फल की प्राप्ति होती है, क्योंकि माघ का महीना भगवान श्री कृष्ण के माधव स्वरूप से जुड़ा हुआ है। इसलिए आपको मधुराष्टक का पाठ जरूर करना चाहिए। तो चलिए मित्रों, आज हमने जाना कि माघ स्नान कब है और माघ स्नान का हिंदू धर्म में महत्व। अगर ये मेरा वीडियो आपको पसंद आता है तो इसे लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि आपको मेरी आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। इसके अलावा मेरे आस्था और ज्योतिष ज्ञान के दर्शक अगर अपनी कुंडली का विश्लेषण मुझसे करवाना चाहते हैं तो यह मेरा कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है, आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद मित्रों।